हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन आवर चैनल स्टडी विद आलोक। छात्रों, आज हम लोग बात करने वाले हैं यूपी पीजीटी के कुछ प्रश्नों पर, जिन पर आप आपत्ति दर्ज करा सकते हैं, क्योंकि ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और 2 से 3 क्वेश्चन आपकी जिंदगी बदल सकते हैं, ठीक है। और साथ ही साथ हम लोग ये भी बात करेंगे कि क्या होगी मेरिट क्या होगी, और कुछ लोग मेरिट में जो आ रहे हैं उनके इंटरव्यू की प्रिपरेशन कैसे करेंगे। तो आइए सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं इनके कुछ प्रश्नों को, जिन पर निश्चित रूप से आपत्ति दर्ज कराई जा सकती है। देखिए, पहला क्वेश्चन यहाँ पर जो छात्रों यहाँ पर है, वो सभी सामाजिक परिवर्तन विचारों के माध्यम से घटित होते हैं। मतलब ये क्वेश्चन आप अगर देखें विचारों के माध्यम से, तो वैचारिक निर्धारणवादी कौन है? वेबर को कहा जाता है, वेबर को वैचारिक निर्धारण। लेकिन यहाँ पर जैसा आप देख रहे हैं कि वेबर ने ऐसी कोई भी बात यहाँ पर वेबर का ऑप्शन ही नहीं है। किंग्सले डेविस, मैकाइवर, पेज और जिन्सबर्ग और यहाँ अकबर ने उन्हें काफ दिया हुआ। छात्रों, आकबर्न और निमकाफ जो सोशल चेंज की बात करते हैं, वो बात करते हैं सांस्कृतिक परिवर्तन, ठीक है। मतलब वो संस्कृत में परिवर्तन की बात करते हैं, ठीक है। और वो ये भी बताते हैं कि परिवर्तन जो कल्चरल लैग है, वो 2 प्रकार से होता है। कल्चरल लैग का कॉन्सेप्ट वो बता करके करते हैं, और कल्चरल लैग में अगर हम लोग बात करें तो वो कहते हैं भौतिक संस्कृत की तुलना में अभौतिक संस्कृत पीछे रह जाती है। मतलब जो भौतिक संस्कृत है, भौतिकतावाद, मेटल चीज जिसको देख सकते हैं आप, छू सकते हैं, वो तो तेजी से बढ़ गई। मतलब लोगों के पास में कार आ गई, विभिन्न प्रकार की वस्तुएं आ गई, लेकिन ये है ना कि उनके पास जो वैल्यूज है अभी भी बहुत पिछड़े हुए हैं, ठीक है ना। या उनके जो मूल्य है, जो उनके नाम्स है, मानदंड है, वो अभी भी विचार है, वो बहुत पीछे रह गए। तो यहाँ पर जो बात होती है वो कल्चर के माध्यम से करते हैं, विचारों के माध्यम से डायरेक्टली किसान सभी सामाजिक परिवर्तन, ऑल सोशल चेंज की बात हो रही हो, केवल विचार के माध्यम से घटित होते हैं, ये डायरेक्टली बात वेबर कहता है। वेबर कहता है कि वो आर्थिक आधार पर भी स्प्रिट कैपिटलिज्म की भी बात करता है, स्प्रिट ऑफ कैपिटलिज्म की बात करता है, पूंजीवाद के आत्मा की बात करता है। तो उसमें कहता है कि प्रोटेस्टेंट जो धर्म है, जो विचार है, वो परिवर्तन लाने के लिए जिम्मेदार है। यहाँ पर कोई ऐसा ऑप्शन नहीं है, इसलिए मेरा मानना है कि इस क्वेश्चन पर सभी को या तो आंसर देना चाहिए या तो इस क्वेश्चन को डिलीट कर देना चाहिए, मेरा ऐसा मानना है, ठीक है। अगर कुछ हमारे पाठक हैं या कुछ हमारे ऐसे विचारक जो लोग मतलब देख रहे हो इस वीडियो को और उनको लगता है कि नहीं सर ये होना चाहिए, तो निश्चित रूप से वो कमेंट बॉक्स के अंदर में जरूर अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करेंगे, ठीक है ना। उस पर विचार किया जाएगा। मतलब ये मेरा अपना अनुमान है, बहुत सारे लोगों से बातचीत करने के बाद में मैंने ये चीज रखा हुआ है, ठीक है। आइए दूसरे क्वेश्चन को देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन आसान सा है यहाँ पर, प्रतिस्पर्धा को शांतिपूर्ण संघर्ष के रूप में किसने वर्णित किया? तो छात्रों, सीधा सीधा कई पुस्तकों में इस पर बहुत सारे एविडेंस हमारे पास में आए हुए हैं, छात्रों ने भेजे हुए हैं। तो प्रतिस्पर्धा को शांतिपूर्ण संघर्ष कौन कहता है? वो कहते हैं वेबर। जबकि यहीं पर कोजर को देखिए ऑप्शन माना गया, तो प्रतिस्पर्धा को शांतिपूर्ण संघर्ष न कह करके प्रतिस्पर्धा को शांतिपूर्ण सहयोग कोजर ने कहा है, ठीक है। प्रतिस्पर्धा को शांतिपूर्ण सहयोग कहा है। अब अगर सहयोग से अगर हम इनको जोड़ें, मतलब अगर हम संघर्ष और सहयोग की बात करें, तो आप लोग देखते होंगे कि सीमेल, कोजर, कॉलिंस, ये सब ऐसे हैं ये जो संघर्ष के प्रक्रियात्मकता की बात करते हैं, ठीक है ना, फंक्शनल थ्योरी ऑफ कॉन्फ्लिक्ट की बात करते हैं। तो यहाँ पर शांतिपूर्ण सहयोग की अगर बात की जाए तो वो कोजर का लाइन है, और ये जो लाइन यहाँ पर दी गई है, जो कथन दिया गया है, वो शांतिपूर्ण संघर्ष, ये वेबर कहते हैं, ठीक है ना। ये वेबर की एकदम स्पष्ट डेफिनेशन है। तो छात्रों, इस पे डिलीट ना करके इस पर जिन लोगों ने वेबर का लगाया हो उस पर नंबर दिया जाना चाहिए, और जिनका कोजर रहा उसको डिलीट किया जाना चाहिए, क्योंकि ये क्वेश्चन कई बार परीक्षाओं में आ भी चुका है और इसका यही आंसर है। तो एक क्वेश्चन यहाँ पर बढ़त आपकी बन सकती है। पीछे वाले में मैंने कहा क्वेश्चन डिलीट किया जा सकता है क्योंकि ऑप्शन नहीं है, लेकिन यहाँ ऑप्शन अवेलेबल है, इसलिए सी नंबर होना चाहिए, ठीक है। और अब मैंने बता भी दिया कि शांतिपूर्ण अगर सहयोग होता तब वहां पर कोजर होता, ठीक है। आइए तीसरे प्रश्न को हम लोग देखते हैं कि इसमें जो थर्ड क्वेश्चन है वो क्या कह रहा है। मतलब यहाँ पर वेबर हो जाएगा, और जो थर्ड क्वेश्चन है वो देख लेते हैं कि इसमें थर्ड क्वेश्चन क्या कह रहा है, ठीक है। तो थर्ड क्वेश्चन में देखिए कि समाजशास्त्रीय क्षेत्र में किसी अन्य लेखक की अपेक्षा हर्बर्ट स्पेंसर के सामाजिक सिद्धांतों ने अधिक विवाद उत्पन्न किया है, और ये जो कथन है ये छात्रों पिट्रिम ए सोरोकिन का है, ये सोरोकिन का कथन है, ठीक है। ये पूर्व परीक्षा में पूछा जा चुका है, लेकिन यहाँ पर जो आयोग ने आंसर दिया है वो ई ए बोगार्डस को दिया है, ठीक है ना। तो थोड़ा सा यहाँ पर बोगार्ड्स ना होकर के पिट्रिम सोरोकिन होना चाहिए, और ये आंसर, इस पर भी एविडेंस है। जिन लोगों के पास में एविडेंस हो वो मेरे चैनल पर भी अवेलेबल कराएं, ठीक है। कमेंट बॉक्स में लिख करके फोटो खींच करके अपलोड कर दें यहाँ पर,
ठीक है, और बाकी मेरे पास में भी जो है उसको मैं आपको कमेंट बॉक्स में अवेलेबल कराऊंगा, ठीक है। तो दो चीजें यहाँ पर होंगी, ठीक है, हम भी अवेलेबल कराएंगे और आप भी। और इस तरीके से छात्रों ये तीन प्रश्न ऐसे जो बन रहे हैं इनको चेंज कराया जा सकता है, मतलब दो प्रश्न के आंसर बदलेंगे, अर्थात जिसका दो एक 112 नंबर होगा वो हो जाएगा 114 नंबर, जिसका मान लीजिए कि 105 नंबर हो रहा हो वो 107 नंबर पहुंच सकता है, 107 नंबर हो 109 नंबर पहुंच सकता है, इसलिए बहुत जरूरी है, ठीक है ना। तो इस पर एक सम्यक कोशिश की जानी चाहिए और आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में लिख करके बताएंगे। साथ ही साथ में मैं अब जो बात करूंगा अगले पॉइंट पर, वो अगला पॉइंट ये है छात्रों कि इसकी मेरिट अप्रोक्सीमेट किया जा सकती है, मतलब अब हम लोग जो दूसरा पॉइंट यहाँ पर आ रहा है कि अप्रोक्सीमेटली इसकी मेरिट क्या होगी। तो अगर हम लोग मेरिट की बात करें तो मैं आपको बता दूं कि पिछली बार 22 पद जनरल के थे और लगभग सेम वैकेंसी यानी 42 वैकेंसी पिछली बार थी और ऐसे ही पेपर था, और पेपर थोड़ा सा इससे टफ मानूंगा मैं, ठीक है ना, लेकिन उसकी मेरिट जो गई थी 107 नंबर। तो एक चीज आपको ये ध्यान रखना है कि पिछली बार जो इसमें मेरिट गई थी वो 107 नंबर मेरिट गई हुई थी, ठीक है, और 112 नंबर पर 112 नंबर पर क्या किया है, 112 नंबर पर फाइनल सिलेक्शन हुआ था, मतलब 107 मेरिट 112 पर फाइनल सिलेक्शन हुआ था, ये आप जान लें पिछली बार का। अब ये प्रश्न बनता है कि क्या इस बार की मेरिट क्या होगी, यानी क्या 107 ही जाएगी, क्योंकि सीट तो सेम है, सीटें थोड़ी सी कम हो गई हैं, जैसे आप देखिए 22 सीटें जनरल की थी, अब वहां पर 22 सीटें घट करके एक सीट, मतलब 22 सीटें में से एक सीट कम होकर के 21 हो गई, ओबीसी की 14 सीटें थी उसमें से दो सीटें कम होकर के 12 रह गई हैं, तो मतलब तीन सीट घट गई है, तो टोटल मिलाकर के 42 में से तीन सीटें निकल जाएंगी, तो 42 से तो वो 39 सीटें, मतलब वर्तमान में 39 सीटें हैं और 39 सीट पे चल रहा, मतलब ये प्रॉब्लम। और फिर 107 मेरिट, थोड़ा सा पेपर नो डाउट, मतलब कि पेपर इजी टू मॉडरेट था, अगर हम पिछली बार अगर हम कह दें कि मॉडरेट था पेपर तो अब हम थोड़ा थोड़ा कह सकते हैं कि इजी टू मॉडरेट था, लेकिन छात्रों इस इजी टू मॉडरेट के चक्कर में जहां पर मेरिट देखिए कुछ छात्रों के, मतलब मैं ऐसे 10-15 स्टूडेंट का मैंने जो देखा ऑल ओवर यूपी, बहुत सारे लोगों ने हमारे पास में किया, तो लगभग मान के चलिए कि 15-20 ऐसे स्टूडेंट हैं जो 112 प्लस में चल रहे हैं, यानी 112 से लेकर के 115-17 तक मतलब गए हुए, उनके तुक भी सही गए हैं, उनकी मेहनत भी काम आई है, तो 12-15-17 गए, लेकिन ऐसे लोगों की संख्या ज्यादा ना होकर के मैक्सिमम 10 है, ठीक है, जो एवरेज आए हुए स्टूडेंट है, मतलब जिनका ज्यादातर आए हुए स्टूडेंट है वो एवरेज, मतलब हो गया कि जो आने वाले जो क्वालिफाई करने वाले हैं वो स्टूडेंट, उनका जो मार्क्स रहा है वो 110 के लेकर के और 114 नंबर के बीच में रहा है, ठीक है ना, मतलब 110 कह सकते हैं या 108-9 कह सकते हैं, 109 से लेकर के और 112 नंबर तक, 14 नंबर तक, ये मतलब मैक्सिमम जो लोग रहेंगे। अब हमको प्रश्न बनता है कि अब हम टोटल सीटें देखें, तो मैंने बताया कि 39 सीटें तो केवल आपकी ये है जो बालक वर्ग में है इस समय, ठीक है ना, और दूसरी तरफ जो बालिका वर्ग का स्पेशल दिया गया था उसमें 4 सीटें जनरल की और एक सीट ओबीसी, एक सीट एससी की है, मतलब 6 सीटें हैं, तो यहां पर अगर देखें 39 और 6 मिलाकर के तो वो हो जाता है आपका 45 सीटें, ठीक है ना, टोटल मिलाकर के कितनी हो जाती है 45 सीट, और 45 सीट पर जो छात्रों यहां क्वालिफाई करते हैं वो 5 गुना बुलाया जाता है, क्योंकि देखो बहुत सारे लोगों की जॉब भी लग चुकी है, हायर एजुकेशन आने वाला है वो भी यहां पर हो जाए, मतलब जो है तो ऐसे में वो 5 गुना बुलाते हैं, तो 5 गुना का मतलब ये हो गया कि तबरीन 5 पंचे 25 और 5 चौको 20 दो 22, यानी 225 पीपल, यानी 225 एस्पिरेंट क्वालिफाई करेंगे 225, तो 225 में से मैं बता दूं छात्रों कि देखिए ऐसे मतलब मान के चलिए कि 10 स्टूडेंट तो ऐसे हैं जो 15 प्लस में हैं, यानी 115 प्लस में हैं, 10-15 ऐसे स्टूडेंट हैं, मेरा जो अप्रोक्सीमेट अनुमान जो कहता है। अगर मैं बात करूं कि 110 से लेकर के 115 के बीच में अगर रहने वालों की संख्या, तो यहीं पर आपको संख्या ठीक ठाक मिलती है, लगभग 100 से लेकर के 150 स्टूडेंट ऐसे हो जाएंगे जो आपको 110 से लेकर 115 के बीच में कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन उसके भी नीचे मेरिट जाएगी। मैं आपको बता दूं पिछली बार 107 मेरिट थी, तो आप ये मान के चलिए कि इंटरव्यू आते आते आपको मेरिट जो मिलने वाली है वो 107 से हो सकता है एक दो नंबर आगे बढ़ जाए, बस केवल दो नंबर आगे बढ़े, मतलब 107 की जगह पर 108 या 9 मेरिट जाने वाली है, ठीक है ना, 108 या 109 मेरिट, ये आपका अनुमान रहेगा
जाने वाली है मेरिट 108, जनरल कैंडिडेट की मैं बात कर रहा हूँ, और बाकी के जो कैंडिडेट उसमें दो दो नंबर कम हो जाता है, ओबीसी का तो बिल्कुल ही बराबर ही रहता है लगभग लगभग, है ना, गर्ल्स में थोड़ा सा कम हो जाता है, मतलब उनका 107 105 तक मेरिट आ सकती है, ठीक है, कि जनरल में 105 नंबर तक मेरिट आ सकती है। तो अब 108 और 109 मेरिट जाने वाली है, लेकिन मैं बता दूं कि जो लोग 110 नंबर गेन किए हुए हैं, मतलब 110 नंबर का मतलब, सॉरी नंबर तो 3.4 है छात्रों, 110 क्वेश्चन, ठीक है, 125 में 110 क्वेश्चन अगर आपके आयोग ने जो साइंसर सीट दी है उसके अनुसार 110 अभी वर्तमान में सही है, जबकि दो तीन क्वेश्चन पेंडिंग में है, लेकिन फिर भी 110 अगर आपके सही हैं, आप निश्चिंत होकर के इंटरव्यू की तैयारी करें, बिल्कुल जबरदस्त तैयारी करें, क्योंकि निश्चित रूप से आपको इंटरव्यू में जाना है, ठीक है। अब सिलेक्शन होना ना होना कहाँ डिपेंड करेगा, अब एक सवाल यहाँ पर बनता है, देखिए सिलेक्शन होने के लिए आपने देखा होगा कि 50 मार्क्स का इंटरव्यू रखा गया, ठीक है। अब उस 50 मार्क्स के इंटरव्यू में क्या होने वाला है, आप, मैंने एक सीट भेजी हुई थी, वो सीट आपने देखा होगा, तो उस सीट में लगभग 21 मार्क्स से लेकर के 21 मार्क्स से लेकर के और 45 मार्क्स तक दिए गए हैं इंटरव्यू के नंबर, यानी 21 से लेकर 45 तक के नंबर हैं। आपका इंटरव्यू अब डिपेंड करेगा, 21 से 45 का मतलब आप समझ सकते हैं ना, तो मैंने बताया कि सबसे पहले आपका जरूरी है कट ऑफ में आना। मान लो कि हम कह रहे हैं कि 108 नंबर कट ऑफ आपकी चली गई, मान लीजिए, ठीक है, 108 नंबर, हमने कहा कि 107 8 9 108 के एक नंबर इधर एक नंबर उधर आप मान लीजिए, ठीक है, तो 108 नंबर अगर मेरिट गई हुई है, मान लीजिए कि 108 चली, आप सबसे पहले कट ऑफ में आना जरूरी है, क्योंकि कई हमारे छात्र ये पूछ रहे थे कि सर मैं बीएड हूं, तो बीएड है तो 5 उनको 5% का 5 नंबर का मुनाफा हो जाएगा, 5%, अगर वो एमएड है तो उनको 10% का होगा, अगर वो पीएचडी है तो 10% होगा, ठीक है ना, तो पीएचडी भी 10% है, एमएड भी 10% है और बीएड 5% है, ये एक्स्ट्रा, लेकिन ये सब लाभ तब होने वाले हैं जब आप मिनिमम क्राइटेरिया मार्क्स को क्वालिफाई करें, और मिनिमम क्राइटेरिया मार्क्स जो जाने की उम्मीद है 108 से लेकर के 110 के बीच में, यानी 2+2-, ठीक है, 2+2- के बीच में रहेगा, 108 मान के चले, लेकिन मैं बता दूं जो लोग 110 हैं वो निश्चित रूप से इसकी तैयारी शुरू कर दें। अब प्रश्न बनता है कि तैयारी कैसे शुरू की जाए, 110 नंबर कोई पा करके बैठा हुआ है और अगर वो 45 नंबर गेन कर लेता है, ठीक है ना, याद रखिए कि अगर वो 110 नंबर, क्योंकि देखिए अब इस बार की जो स्थिति बनी हुई है कि वो 110 नंबर है, हो सकता है पिछली बार जैसे 107 नंबर मेरिट गई थी और 112 नंबर पर उन्होंने क्या किया था कि फाइनल मतलब जो 112 प्लस वालों को एकदम आराम से सिलेक्शन करते चले गए, तो इस बार मान लीजिए 7-8 जा रही है, तो हो सकता है 110-12 वालों लोगों को जो इन्होंने 110-112 नंबर प्राप्त किए हैं उनको फाइनल सिलेक्शन की ओर खींचे, लेकिन वो डिपेंड किस पे करेगा, वो डिपेंड करेगा इनके इंटरव्यू मार्क्स पर। तो छात्रों यहाँ प्रश्न बन जाता है 21 से लेकर 45 मार्क्स तक दिए गए हैं इंटरव्यू, पिछली बार आपने देखा होगा कि 50 लोग ऐसे हैं जिनको 45 मार्क्स मिले थे, अब वो देखिए फाइनल सिलेक्शन ले पाते नहीं ले पाते, लेकिन मार्क्स 45 मिले हुए थे, और ऐसे भी लोग हैं जो 21 या 30 मार्क्स भी मिले थे उनका भी सिलेक्शन हुआ। अब डिपेंड करता है कि आप 21 से 45 के बीच में ये क्राइटेरिया कैसे करेंगे। तो देखिए सबसे पहले यहाँ पर जो बात आएगी कि आप अपना जो एकेडमिक परफॉर्मेंस एपीआई है उसको बेहतरीन मजबूत करें, ठीक है ना, अगर आप शिक्षा जगत में जा रहे हैं, अगर आपके पास में जो कुछ भी है, आपने कभी कोई सेमिनार अटेंड किया है, वर्कशॉप अटेंड किया है, कहीं पर कोई पत्र आपका छपा हुआ, रिसर्च पेपर छपा हुआ है, भले आपने पीएचडी नहीं किया हुआ, लेकिन जहां पर जो कुछ भी अगर इस संदर्भ में किया हुआ या कोई सोशल वर्क का कार्य किया हो, तो सारे सर्टिफिकेट और आपने करेक्टर सर्टिफिकेट इन सबको पूरा कलेक्शन कर लें, ठीक है ना, और 1-to-1 पहले अपने शुरुआत कहां से होती है, आपके नाम से होती है, ठीक है ना, तो अपने नाम की जो मीनिंग है, जो उसका अर्थ है, उसका कह लीजिए उसके जो मीनिंग निकल करके आ रही, या उसके नाम से कोई ऐसा पर्सनालिटी, कोई ऐसा व्यक्तित्व समाज में रह चुका हो या रह रहा हो जो थोड़ा सा डायनेमिक नेचर का रखता हो, तो उसके बारे में आपको जानना होगा, ठीक है, आपके नाम की उपयोग जो उपाध्येयता है क्या वो आपके ऊपर सूट करती नहीं करती है, आप बदलना चाहते नहीं बदलना चाहते, इस प्रकार के पहले प्रश्न बनेंगे, ठीक है। दूसरा जो प्रश्न बनने वाला है वो दूसरा प्रश्न सीधा सीधा आपका रहेगा, वो आपका होता है आपके एकेडमिक परफॉर्मेंस से, आपने इतने दिन बीच में गैप कर दिया, क्यों गैप कर दिया, कैसे गैप कर दिया, नंबर कहीं पर कम आया हुआ, कहीं पर ज्यादा है, सब्जेक्ट आपने आर्ट साइड था, साइंस साइड हो गया, इस प्रकार के तमाम प्रकार के सवाल, या उसमें से ऐसा भी हो सकता है कि आपने इंटरमीडिएट में भी सोशियोलॉजी लिया हुआ है, क्योंकि आप इंटरमीडिएट के लेक्चरर बनने वाले,
तो इंटरमीडिएट में आपने सोशियोलॉजी लिया हुआ है, तो उससे प्रश्न कौन सी किताबें पढ़ी, कौन सा अगर पीजी लेवल पर आपने किया हुआ है तो पीजी में जब आप चूज करते हैं कि किस थिंकर को चूज किया, कौन कौन से पार्ट रहे, तो इस पर आपके सवाल होंगे। अब जो तीसरा सवाल मतलब बनने वाला है वह आपका आपके एरिया से, जो आपकी डिस्ट्रिक्ट है उससे प्रश्न बनेगा, ठीक है ना। चौथा सवाल जो बन सकता है वो एजुकेशन, शिक्षा जगत में प्राइवेटाइजेशन जो हो रहा है उसको आप मानना चाहते हैं कि नहीं मानना चाहते, सरकारी स्कूलों के बारे में, स्थितियों के बारे में आपसे किस प्रकार के बदलाव चाहते हैं, ऐसा प्रश्न पूछा जाएगा। दूसरी चीज, आपकी रुचि सोशियोलॉजी में क्यों है, ठीक है ना, क्यों आप इसके प्रवक्ता बनना चाहते हैं, ठीक है, ये सवाल। और नेक्स्ट इसके अगले वाले पे बात करूं, आपकी स्ट्रेंथ क्या है, मतलब आपके अंदर में वो कौन सी क्वालिटी है जो औरों से आपको अलग करती है, ठीक है, एक सवाल। दूसरा, आपकी भविष्य की योजनाएं क्या है, सोशियोलॉजी से आप आगे क्या देख रहे हैं। नेक्स्ट है, आपकी वीकनेस क्या है, ये भी बहुत अच्छा प्रश्न बनता है। तो इस प्रकार से आपको विभिन्न प्रकार के प्रश्न मिलने वाले हैं, पहली चीज तो है। दूसरी चीज है, कभी कभार आपसे देखिए ज्यादातर ऐसा नहीं होता है कि आपसे क्वेश्चन मतलब एकेडमिक या आपके एजुकेशनल बैकग्राउंड से ना पूछे, मतलब क्वेश्चन तो इस प्रकार से होते हैं क्योंकि दे वांट टू चेक योर व्यू, इंटरव्यू, आपके व्यू में एंट्री कर रहे हैं। लेकिन इसके बावजूद भी कभी कभी ऐसे होते हैं कि आपके जो प्रश्न है वो एकेडमिक क्षेत्र से यानी एजुकेशनल बैकग्राउंड से आ जाते हैं। तो जनरल चीजें आपके बारे में जानना, मतलब कभी भी वो ऐसा डीप क्वेश्चन नहीं पूछेंगे, कोई भी वहां पर जो बैठा होगा वैसा नहीं क्वेश्चन पूछेगा, बस यही कि सोसाइटी क्या है, वैल्यूज क्या है, मॉरलिटी क्या है, एजुकेशन का क्या योगदान है ना सोशल चेंज में, ठीक है, पोस्ट मॉडर्निटी क्या है, मॉडर्निटी क्या है, उत्तर संरचनावाद क्या है, मतलब इस प्रकार के जो आधुनिक विषय वस्तु हैं जिनका कि आप दैनिक जीवन में उपयोग भी करते हैं उन पर प्रश्न होंगे। तो छात्रों आज तक मेरी बातें यहां तक हो गई कि मेरिट आपकी क्या जानी है और कैसे प्रिपरेशन करेंगे, तो जनरल आइडिया मैंने आपको बता दिया। अब आपको क्या करना है, जितनी चीजें मैंने अभी बताई हैं इनको खुद ही आप प्रश्न बना डालिए और प्रश्न बना करके खुद ही उनके उत्तर लिख डालिए, पहले उत्तर लिख डालिए सोच समझ करके, क्योंकि लिख डालेंगे तो वही आंसर आप देंगे, क्योंकि जब आप आंसर देते हैं तो वहां पर बैलेंसिंग चेक की जाती है कि क्या आप नेगेटिव अप्रोच है, पॉजिटिव अप्रोच है, हाइपर बोल रहे हैं या बहुत ही डिप्रेस्ड है, इन चीजों को चेक किया जाना है, ठीक है। और एजुकेशन कैसे आप देंगे, कभी कभी ये होता है कि वुमेन एम्पावरमेंट मुद्दा चल रहा है, क्लास में आप कैसे जो है महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देंगे, महिलाएं अगर जा रही है तो उनसे ये प्रश्न स्वाभाविक बनता है, ठीक है ना, कि आप कैसे मैनेज करेंगे, इन सब प्रश्नों को मतलब आपसे पूछा जा सकता। टीचिंग मेथड को लेकर के प्रश्न पूछा जा सकता है, एजुकेशन में किस प्रकार के बदलाव चाहते हैं ऐसे। अब प्रश्न बनता है कि आगे की योजना हम क्या कर रहे हैं। छात्रों जैसे ही रिजल्ट आपका निकलेगा, मतलब ये जैसे ही अपडेट होता है, और आप लोग अपने ग्रीवेंसेज को निश्चित रूप से भेजिए। अगर ये तीन प्रश्न हैं, और भी प्रश्नों पर कुछ लोगों ने चर्चाएं की लेकिन मैंने देखा तो उसमें कोई बहुत खास मैटर नहीं रहा कि जिसपे परिवर्तन की बात हम कर सकें, ठीक है ना। लेकिन ये तीन प्रश्न निश्चित रूप से, एक प्रश्न को डिलीट किया जाना चाहिए और दो प्रश्न को इनको चेंज करना चाहिए, आंसर चेंज करना है, पेट्रिम सोरोकिन यहां पर करना चाहिए और उसके बाद में दूसरे नंबर पे। अब एक सवाल बनता है कि एक सवाल और भी आया था कि जब समाजशास्त्र शब्द का प्रयोग किया 1938 की 1838, तो छात्रों वो उसने 1938 कह दिया और ज्यादातर लोगों ने 1938 किया, अगर नहीं भी होता है तो वो प्रश्न डिलीट होना चाहिए क्योंकि वहां पर 1838 होना चाहिए। तो इसलिए मैं उस प्रश्न पे ज्यादा बात इसलिए नहीं कर रहा हूं क्योंकि उस प्रश्न का उत्तर ही सभी लोगों ने 1938 देखा, एक पुस्तक है इग्नू का नोट है उसमें गलती से या कैसे भी ये लिखा हुआ, तो वहां से आप मान के चलिए कि 1938 की जगह वो 1838 की जगह 1938 कर दिया, तो इसलिए उसमें सभी लोगों ने लगाया, तो इसलिए परिवर्तन हो या ना हो उसका, हाँ लेकिन लीगली देखा जाए तो उसको डिलीट कर देना चाहिए उस प्रश्न को, ठीक है ना, क्योंकि वहां भी ऑप्शन नहीं सही है, ठीक है। और अब जैसे ही आंसर आ जाता है छात्रों, तो फिर हम क्या करेंगे, लखनऊ में आपको और ये सब समस्त सुविधाएं आपको उपलब्ध कराएंगे कि आप हफ्ते भर, जैसे जो भी बाहर से लोग हैं, बाहर के डिस्ट्रिक्ट हैं, तो यहाँ पर आए, पेइंग गेस्ट की सुविधाएं यहाँ पर लखनऊ में है और यहाँ पर कम से कम मिनिमम 1 week 10 days आप हमारे साथ में रुकें और पूरे दिन भर दिनचर्या के माध्यम से आप उसको सीखें, ठीक है ना, इंटरव्यू की प्रक्रिया सीखें, अपने परफॉर्मेंस पे सीखें, सब्जेक्ट को सीखें, विभिन्न विषयों पर बात करना सीखें, मतलब एक कह लीजिए हम संत समागम करने वाले हैं, ठीक है ना, मतलब संत समागम मतलब हो गया कि जो समाजशास्त्रियों का समागम यहाँ होने वाला है, तो आप लोग आए वहां पर और उससे संबंधित जो भी जानकारी होगी, मैंने एक ग्रुप बना करके रखा हुआ है, मैं ग्रुप अभी कमेंट बॉक्स में उस पर नंबर डाल देता हूँ और
या उसपे मैं ऐड कर देता हूं, तो आप लोग क्या करेंगे उस नंबर पर मैसेज करके आप उस ग्रुप से जुड़ जाएंगे, जिससे जो भी अपडेट जानकारियां होंगी कि आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट ले जाने हैं, कैसे ले जाने हैं, सारी चीजें वहां पर अवेलेबल होती रहेंगी। ठीक है छात्रों, तो धन्यवाद, इस पर हम बात करते हैं। और एक बात लगातार हमारे छात्रों का यह रहा कि सर वो आगे की प्रिपरेशन जो एनटीए नेट के लिए है वो कैसे, तो छात्रों मैं कोशिश करूंगा कि सभी जितने अब पार्ट हैं सबसे पहले थिंकर पे फोकस करूंगा, तो एक एक थिंकर को लेकर के, और मैं सबसे पहले फोकस करूंगा इंडियन थिंकर, इंडियन थिंकर को फोकस करते हुए वो एक थिंकर से जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं, जैसे मान लीजिए महात्मा गांधी को हम पढ़ रहे हैं, तो जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं उनकी जो भी पुस्तकें हैं जो थ्योरियां हैं वो सब पूरा कॉन्सेप्ट करते हुए मैं एक वन टू वन करके डिस्कशन करूंगा, परेशान ना हो और पढ़ें अपनी पुस्तकों का, जो भी आपके पास में शीघ्र पुस्तकें हैं उनका अध्ययन करें। धन्यवाद।